जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही सिंगिंग या गाना। सिंगिंग से या गाने से एज एन एक्टर आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एज एन एक्टर आपके इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, मेमोरी को इंप्रूव करने में सिंगिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं सिंगिंग के। जैसे रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऐसे सिंगिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। सिंगिंग से आपके एक्सप्रेशन, इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होते हैं। अब आप किसी सिंगर को गाते हुए देखिए, तो जब कोई सिंगर गाता है तो जिस भी मूड का गाना होता है उस तरह के एक्सप्रेशन, उस तरह के हाव हाव उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे पे आपको दिखाई देते हैं। दो चीज़ें हैं, जब एक तो आप जब गाना गाते हैं तो आपको फील करना पड़ता है, तो जब आप फील करते हैं तो वो आपके एक्सप्रेशन में आता है, या आप जब गाना शुरू कर देते हैं तो फीलिंग्स आने लगते हैं। दोनों ही चीजें, या तो गाना शुरू करेंगे तो फीलिंग्स आएंगी और एक्सप्रेशन आएंगे, या आप फील करेंगे तो वैसा आप गा सकते हैं। और दोनों ही सूरतों में ये एक एक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इमोशन जो है, फीलिंग्स या इमोशन, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की जो है सोल है, आत्मा है। जब तक किसी परफॉर्मेंस में या किसी भी आर्ट में, किसी परफॉर्मिंग आर्ट में जब तक आप इमोशन नहीं डालोगे तो बहुत डेड रहोगे। और एज एन एक्टर हमें सिंगर नहीं बनना है। हम ये जो कर रहे हैं उसका पर्पस ये नहीं कि हमें सिंगर बनना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वो इमोशन को पकड़ना है। गाने से हम अपने इमोशंस को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, हमें उस चीज के ऊपर बात करना है। बाकी सुर है, ताल है, हमें उस बारे में बात नहीं करनी। बाकी जब आप शुरू करोगे इमोशंस को पकड़ के, जब आप गाना शुरू करोगे तो कुछ टाइम के बाद सुर भी आएगा, ताल भी आएगा। सिंगिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सिंगिंग से आपके वॉइस के एक्सप्रेशंस बहुत इंप्रूव होते हैं। और अगर हम बात करें वॉइस के बारे में, तो वॉइस जो है वो, अगर आप वॉइस के इमोशंस को या वॉइस के एक्सप्रेशंस को आप कंट्रोल कर लेते ना, तो आपके फेस एक्सप्रेशंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके थ्रू ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वॉइस में एक्सप्रेशन लाने के लिए वैसा फील करना पड़ता है, और जब आप फील करते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं। और वहां पे हम सिर्फ वॉइस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं ना, तो ये दोनों चीजें अपने आप कंट्रोल होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा वॉइस का मॉड्यूलेशन, जो आवाज का उतार चढ़ाव है उसका जो मॉड्यूलेशन है, आवाज का जो शेप जो बदलता है, आवाज मोटा पतला ये सब जो होती है, ये भी जब हम सिंगिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप इस चीज की एक हैबिट हमें पड़ती है। तो आपको अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करने के लिए भी बहुत उसका बेनिफिट है। और सिंगिंग से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी लैंग्वेज सुधर जाती है, क्योंकि हम वैसा ही बोलते हैं जैसा हम सुनते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जब गाना गाते हैं तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होती है, क्योंकि जब वो गाते हैं ना तो गाते टाइम उनके दिमाग में वो गाना चल रहा होता है, और वो गाना जब चलता है ना तो वो लोग बिल्कुल वैसा ही प्रोनाउंस करते हैं, वैसे इमोशंस के साथ। तो उनकी लैंग्वेज भी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, उनका डिक्शन और जो एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का उच्चारण, वो भी इंप्रूव होता है। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे गाने की रेगुलर, तो आप धीरे धीरे ये देखोगे कि आपको पूरा गाना याद होने लग गया, और गाने के साथ साथ धीरे धीरे आपको ये भी लगेगा कि कुछ टाइम के बाद आपको स्क्रिप्ट, डायलॉग्स भी याद होने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप एक 5 मिनट का गाना याद कर सकते हो, 1-2 मिनट की स्क्रिप्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 ये चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऐड हो जाती है, आपकी याददाश्त भी इससे इंप्रूव होती है। और एक चीज और भी है,
जब इस तरह से आप गाना गाओगे तो जैसे कभी इन फ्यूचर आपको लिपसिंक करना पड़ेगा, जैसे फिल्मों में होता है कि पर्दे पे ही वो गाना गाता है, पीछे कोई और सिंगर गा रहा है, तो वो जो लिपसिंक है, जो आपका लिप मूवमेंट जो गाने के साथ मैच होता है, धीरे धीरे आपको इसकी भी आदत पड़ जाएगी, ये भी आपका इम्प्रूव होगा, कभी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने कुछ स्टूडेंट्स को हमने बोला है गाने की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो अपने हिसाब से सुनाएंगे और फिर हम उनसे उनका एक्सपीरियंस हम पूछेंगे कि जो ये गाना आपने शुरू किया, गाने से आप क्या बेनिफिट हुआ, एज एन एक्टर आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हुआ। और इस सिंगिंग की एक्सरसाइज के दौरान एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता था कि इतना बेनिफिट होने वाला है, पर जब वो बेनिफिट देखा तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो शूट करना चाहिए कि भाई इस चीज के बहुत सारे बेनिफिट। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, आप कभी भी गा सकते हो, गुनगुना सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। तो जब हमने शुरू किया तो ये देखा कि यार स्टूडेंट्स बोल नहीं पा रहे, गा नहीं पा रहे, गले से आवाज नहीं निकल रही है, फील नहीं हो रहा, लेकिन धीरे 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 जब उन्होंने करना शुरू किया तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई प्रोफेशनल सिंगर का वही इमोशन वही फील और भी मिलता है ताल में, बस फर्क ये है कि वो लोग ट्रेन प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, बट हमारा पर्पस यहाँ पे कुछ और है, हमारा पर्पस वो इमोशंस को पकड़ना और एज एन एक्टर उसका बेनिफिट है। और ये चीज अगर इन फ्यूचर आपको सिंगिंग भी करना वो भी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अपने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस। एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, एहसास तेरे प्यार है। हाँ रोहित। यस सर।
अच्छा जैसे ये हमने सिंगिंग जो हम लोग कर रहे हैं okay. तो एज एन एक्टर इसका क्या बेनिफिट है? सर मेरे को ये लगता है कि सिंगिंग करने से जो मधुरता हमारी आवाज में आती है वो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और चीज से आएगी। और मैंने ये जाना कि जब से मैंने सिंगिंग करनी शुरू की है या आपने जब से भी बोला है कि आप अपनी सिंगिंग पे ध्यान दीजिए करिए, तो सर सिंगिंग करने से पहले मेरी आवाज बहुत लाउड थी और अच्छी थी लेकिन उसमें एक मधुरता नहीं थी। मतलब जब हम रिकॉर्ड करते थे या जब भी कैमरे में सुनते थे तो वो पिंच करती थी वो आवाज हमारी थोड़ी सी। लेकिन सर जब से मैंने गाना गाना शुरू किया, और गाना मैं पहले भी गाता था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि ऐसे गाना चाहिए, तो फीलिंग के साथ मैंने जब गाना गाना शुरू किया तो मुझे ये खुद फील हुआ कि मेरी आवाज में एक मधुरता आनी शुरू हो गई है। मतलब वो सॉफ्टनेस आनी शुरू हो गई है जो कि हमें चाहिए होती है एक्टिंग के अंदर, क्योंकि एक्टिंग में क्या होता है कैमरा बिल्कुल क्लोज होता है हमारे, तो जब हम बोलते हैं तो वो कैमरे में भी सॉफ्ट जानी चाहिए तभी वो लोगों को सॉफ्ट सुनाई देगी। तो मुझे ऐसा लगता है सर सिंगिंग एक बहुत बेटर जो है विकल्प है अपनी आवाज को मधुर करने का और बहुत बेटर करने का, उसमें एक परफेक्टनेस भी आ जाती है। बहुत मतलब बेनिफिट है, बेनिफिट है एज एन एक्सरसाइज अगर हम करते तो बहुत बेनिफिट है। यस सर, यस सर। चलिए मुना जी, सर आप ये बताइए कि सिंगिंग से एज एन एक्टर आपको क्या बेनिफिट हुआ? एज एन एक्टर सिंगिंग से क्या फायदा होता है? सबसे पहली बात तो इमोशंस आते हैं और लैंग्वेज सुधरती है। और पहले भी मैं गाना गाती थी, सिंगिंग करती थी, बट जब से आपने बोला है कि सिंगिंग करके मतलब आप सिंगिंग करो प्रैक्टिस करके इमोशंस पे फोकस करो, पहले मैं इमोशंस या फीलिंग पे फोकस नहीं करती थी कि गाना गाना है बस, बट अभी जब से आपने बोला है तो मैं इमोशंस पे फोकस थोड़ा भी कर रही ना तो ज़्यादा फोकस हो रहा है। जैसे कि अगर वो सैड सॉन्ग है तो मेरे फीलिंग्स अपने आप सैड हो जाते हैं, कोई हैप्पी वाले गाने हैं तो मैं मतलब मेरे बॉडी लैंग्वेज मेरा इमोशंस एकदम मतलब हैप्पी जैसे हैप्पी होने लगते हैं, बट इमोशंस और फीलिंग्स बहुत इम्प्रूव हुए सर इससे। तो मतलब एज एन एक्टर बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट। हाँ तो राज, यस सर, सिंगिंग से एज एन एक्टर क्या बेनिफिट होता है? सर बहुत कुछ बेनिफिट है इसमें। और जैसे कि मैं पहले घर पे गाना गाता था तो उसमें ना सुर था ना ताल ना डिक्शन ना वॉइस मॉड्यूलेशन कुछ नहीं था सर ऐसे। जब से यहाँ पे मैंने सीखा है और बहुत कुछ सीखा मैंने इसमें, और जैसे कि आपने जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन का जो एक्सरसाइज बताए थे आप, तो उससे भी बहुत मुझे बेनिफिट हुआ है। और इसमें सर जैसे कि फीलिंग्स आए और इमोशंस पकड़ हुई, डिक्शन सुधर गए। जैसे मैं रेगुलर बोलता हूँ उसमें डिक्शन बहुत खराब है, बट जब गाना गाता हूँ गाने में तुम्हारा डिक्शन एकदम बढ़िया है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है सर इसमें। हाँ तो रेगुलर गाओ तो उसमें रेगुलर बोलने में सुधर जाएगा, तुम्हारा डिक्शन सुधर जाएगा, ठीक है? अभी है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सुधर जाएगा। देखा आप लोगों ने, ये हमारे स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। ना तो ये सिंगिंग की क्लास है और ना ही हम सिंगिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमने सिर्फ उनको एज एन एक्टर इमोशंस को पकड़ने के लिए बोला। तो आपने देखा कि किस तरह से फील के साथ साथ उनकी सुर और ताल भी मिलने लगी। तो मकसद यही, हमारा मकसद ये है कि सिंगर नहीं बनना, हमें इमोशंस को एक्सप्रेशंस को पकड़ना है, और एज एन एक्टर जो भी चीज हमें एज एन एक्टर इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव कर सकती है तो उसको हमें करना चाहिए। और धीरे धीरे जब आप गाना शुरू करोगे तो कुछ टाइम पर सुर और ताल भी आ जाएगी। जैसा हमने देखा था कि हमने जब डांस करना शुरू किया था तो कुछ टाइम के बाद लोगों की बॉडी रिदम में आना शुरू हो गई, स्टेप्स बनने लग गए। तो बस ऐसे ही है, आप लोग फील कीजिए, अंदर से इमोशंस लेके आइए और अंदर से फील कीजिए और गाना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे देखेंगे आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होगा।